हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपस्टॉक्स ट्रेडिंग एकेडमी। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि जब भी मेरे कोई नए वीडियोस आएँ तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज मैं अपने पुराने टॉपिक जो कि टर्म यूज इन द स्टॉक मार्केट है, तो उसको कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो हम लोग का सबसे पहला टॉपिक जो है वो है एसेट्स। एसेट क्या होता है? तो कोई भी चीज़ जो कंपनी ऑन करती है उसके नाम पे, जैसे कि कैश हो गया, इक्विपमेंट हो गया, लैंड हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, या कोई भी अलग चीज़ें जो कि उसके लिए वैल्यूएबल हैं और जो उसके लिए कैश जनरेट कर रही हो या वेल्थ जनरेट कर रही है, जो उसका टोटल वेल्थ दिखाएं कंपनी का, वो एसेट होता है। सेकेंड चीज़ जो है वो है बोर्ड लॉट। बोर्ड लॉट क्या होता है कि जो एक्सचेंज बोर्ड है हम लोग का, वो एक डिफाइन कर देता है कि इतना यूनिट साइज में हम लोग को ट्रेड करना है। मतलब कि 40 का लॉट हो सकता है, या 100 का लॉट हो सकता है, या 1000 का लॉट हो सकता है, 2000 का लॉट हो सकता है, या 75 का लॉट हो सकता है। तो ये जो 40 का लॉट है वो बैंक निफ्टी का है, जो 75 का लॉट है वो निफ्टी का है, 100 के या 1000 के, 2000 के, बाकी स्टॉक्स के भी लॉट्स होते हैं। तो ये हमारा स्टॉक एक्सचेंज डिफाइन करता है कि कितने का लॉट साइज होगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप इजीली ट्रेड कर सकते हो लॉट साइज में, नहीं तो कोई क्या होता है कभी 17 में, कभी 25 में, कोई 30 में, ऐसे शेयर करता है, तो उसको बाई सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम जाती है। तो इस चीज़ को इजीली डिफाइन करने में, मतलब कि इजीली हो जाए ये ट्रेड, इसके लिए बोर्ड लॉट लॉट हम लोग डिफाइन करते हैं। थर्ड चीज़ जो है वो है बॉन्ड। ये एक ऐसा प्रॉमिस नोट होता है कि मतलब एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, जिसमें कंपनी या गवर्नमेंट जो होती है बायर से पैसा लेती है अपने काम के लिए, और उसके बाद वो बोलती है कि एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद मैं आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे या वेरिएबल इंटरेस्ट रेट पे आपको मैं पैसे दूंगी। तो वो एक टाइम पीरियड के बाद, वो होता है बॉन्ड। नेक्स्ट है बुक। बुक एक रिकॉर्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बोल सकते हैं, बाई सेल ऑर्डर्स का पर्टिकुलर स्टॉक्स के, तो वो होता है बुक। नेक्स्ट है कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन बोले तो ऑप्शन क्या होता है? तो ऑप्शन एक ऐसा डेरिवेटिव है जिसमें क्या होता है, इन्वेस्टर्स जो होता है कोई शेयर खरीदता है या कोई लॉट खरीदता है, लेकिन उसके पास मतलब वो उस ऑब्लिगेशन नहीं रहता। ऑब्लिगेशन कहने का मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जरूरी नहीं है, मतलब उसको लीगल नहीं है कि उसको लीगली खरीदना ही पड़ेगा लास्ट में, या उसकी ड्यूटी नहीं है, या वो कमिट नहीं किया रहता है कि उसको बाद में खरीदना ही है। कहने का मतलब है कि ऑप्शन में आप बाई तो कर रहे हो, लेकिन आप चाहो तो उसको छोड़ सकते हो बीच में। जैसे एक घर का एग्जाम्पल लूँ मैं, तो एक घर है उसको वो 10 लाख रुपीज़ का है और आप 1 लाख रुपीज़ पे कर दिए हो। अब आप देखें कि उसका उस घर का प्राइस थोड़ा घट गया है, तो आप क्या कर रहे हो, आप अपना 1 लाख रुपीज़ छोड़ दिए कि ये डील तो फालतू है, क्योंकि घर का प्राइस तो डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज होने के बजाय। तो ये ऐसा है। नेक्स्ट कॉल ऑप्शन ये होता है कि जब हम लोग को लगता है कि स्टॉक का जो प्राइस है वो इस टाइम पीरियड में इंक्रीज होने वाला है, तो हम लोग कॉल ऑप्शन खरीदते हैं कि मार्केट में स्टॉक का मतलब मार्केट प्राइस उसका बढ़ने वाला है। उसी का जस्ट अपोजिट होता है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है कि जिसमें आपको लगता है कि पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस जो है फॉल करने वाला है या नीचे जाने वाला है, तो आप क्या करते हो, पुट खरीदते हो। तो कॉल और पुट जस्ट अपोजिट। कॉल मतलब कि जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो लॉन्ग पोजिशन के लिए कॉल, और पुट सेम अपोजिट। नेक्स्ट है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है कि ये आपको पैसा बोरो करने में हेल्प करता है, मतलब एक समझ लीजिए लोन की तरह। आप ब्रोकर से एक लोन ले रहे हैं किसी इन्वेस्टमेंट को खरीदने के लिए, और जो डिफरेंस होता है उस लोन का और आपके प्राइस का, मतलब जो सिक्योरिटी का जो प्राइस है और लोन का जो डिफरेंस होगा वो दोनों के बीच का, उसको बोलते हैं मार्जिन। फॉर एग्जाम्पल अपस्टॉक्स आपको 20x का मार्जिन, मतलब 20 times आप ले सकते हैं, तो मतलब 100 रुपये का आप 2000 रुपये में खरीद सकते हैं। 100 रुपये का चीज, सॉरी 100 रुपये में आप 2000 तक का चीज खरीद सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या होता है? तो स्टॉक एवरेज प्राइस पर शेयर ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 50 दिन का टाइम फ्रेम ले लिए, तो उस टाइम फ्रेम में एवरेज प्राइस क्या रहा स्टॉक का, वो होता है मूविंग एवरेज। या 200 डेज का ले लिया, तो 200 दिन में जो ऊपर नीचे गया होगा उसका जो एवरेज एक प्राइस आया होगा, उसको बोलेंगे हम लोग मूविंग एवरेज। नेक्स्ट है डेल्टा। डेल्टा क्या होता है कि जो चेंज इन प्राइस होगा उसका, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ ए डेरिवेटिव।
मतलब द रेशियो दैट कंपेयर्स द चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन द प्राइस ऑफ ए डेरिवेटिव, मतलब अगर उसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो चेंज हो रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में जो उसका डेरिवेटिव प्राइस होगा वो कितना चेंज हो रहा है, ये होता है डेल्टा। नेक्स्ट है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है, ये किसी एक या बहुत सारे अंडरलाइंग एसेट से जो प्राइस डिराइव होता है या सिक्योरिटी हुज प्राइस डिराइव फ्रॉम वन और मोर अंडरलाइंग एसेट उसको बोलते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स में जो फ्यूचर है, ऑप्शन है, सेगमेंट है, वो डेरिवेटिव के अंदर आता है। डेरिवेटिव बोल सकते हैं खुद एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच होता है, जो दो लोगों के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं डेरिवेटिव। द मोस्ट कॉमन अंडरलाइंग एसेट इंक्लूड्स स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, करेंसी, इंटरेस्ट रेट एंड मार्केट इंडेक्स, इन सब में डेरिवेटिव सेगमेंट होता है। डेरिवेटिव में आप फ्यूचर और ऑप्शन का यूज करते हैं। के आउटस्टैंडिंग शेयर्स का मतलब जो कंपनी जो शेयर इशू की होगी उसका जो पूरा वैल्यू होगा उसको बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग ऑल द आउटस्टैंडिंग शेयर्स विद द करंट मार्केट प्राइस। जो अभी करंट मार्केट प्राइस होगा उसके एक शेयर का, उससे हम लोग सारे शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कंपनी के साइज या बता देगा इन टर्म्स ऑफ इट्स वेल्थ। थैंक यू। आज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप शेयर करिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ही बताइए।